अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 3 साल की बच्ची को नया जीवन दिया है। दरअसल बाराबंकी की 3 साल की बच्ची के हार्ट में छेद के साथ पल्मोनरी रूट में भी बड़ी समस्या थी, लेकिन कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद आजम हुसैन ने बच्ची को नया जीवन दे दिया है। प्रोफेसर हुसैन, डॉक्टर माणिक यादव और डॉक्टर सैयद शमेल रब्बानी की टीम ने इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस तरह की सर्जरी अभी तक केवल दिल्ली एम्स में ही की जाती थी, लेकिन एएमयू के जेएनएमसी के डॉक्टर हुसैन ने अलीगढ़ में ही सफलतापूर्वक सर्जरी को अंजाम दिया है। वही सफल सर्जरी के बाद बच्चे की मां बेहद खुश है और उन्होंने बच्ची को जीवन दान देने वाले डॉक्टर हुसैन का शुक्रिया भी अदा किया है। सर, मेरी बच्ची के दिल में छेद था सर, इसकी एक नस भी ब्लॉक थी और सर वाल में भी दिक्कत आ रही थी सर, चलने पर हाँपने लगती थी सर, 3 साल की हो गई अभी चल नहीं पा रही थी सर, अब ये थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रही है और सब बिल्कुल ठीक है। मेरी बच्ची अलीगढ़ में हुआ इसको? जी सर, अलीगढ़ में ऑपरेशन हुआ है सर, सभी टीम ने सर बहुत अच्छा सा सपोर्ट किया है बच्ची का, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वहीं बच्ची के पिता ने बताया है कि बहुत कम समय में उनकी बेटी का सफल इलाज एएमयू में कर दिया गया है। हमारे बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे सीएमओ साहब हैं सर, उन्होंने हमको बताया कि आप अलीगढ़ हम आपको रिफ़र कर रहे हैं और वहां जाइए और वहां से अच्छा इलाज आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, तो उनके कहने पर सर हम अलीगढ़ आए। जब पहली बार आए तभी सर हमें अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ आते ही स्टाफ और जितना भी कहने का मतलब जो लोग रहते हैं सर बहुत अच्छे हैं, कभी मतलब ये दिक्कत नहीं हुई कि हम अपने घर से 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं सर। तो बिटिया का सर बहुत अच्छे से इलाज हुआ और बहुत मतलब कम समय में हो गया। वही जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आजम हुसैन ने बच्ची की समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्ची को नया जीवन मिलने के बाद वे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये बच्ची हमारे पास आई थी सर्जरी के लिए, जिसके हार्ट में कई सारी प्रॉब्लम थी। एक तो इनकी खून की जो नसें होती हैं, एक नस जो खून फेफड़े को ले आती है और एक पूरे बदन को ले आती है, वो उल्टी थी, जिसे हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज कहते हैं। और साथ में ही इसको दिल में छेद भी था और जो खून की नस जो फेफड़े को खून ले आती है उसमें सिकुड़न थी। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ों की वजह से ये सर्जरी काफ़ी चैलेंजिंग हो गई थी। और आमतौर पे ये बच्चे बहुत छोटे में ही आ जाते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है 3 साल की उम्र में हमारे पास आई, क्योंकि इसके ये परेशान थी, सांस लेने में इसको परेशानी होती थी और बच्ची नीली भी पड़ रही थी, लेकिन जहाँ पे भी इसने दिखाया वहाँ पे इस तरह की सर्जरी हो नहीं पा रही थी, इसलिए इसके इलाज में डिले हो रहा था। और कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ये सर्जरी हो सकती है, मुमकिन है दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन वहाँ पर कॉस्ट एक प्रोहिबिटिव फैक्टर हो जाता है, लगभग 8 से 10 लाख रुपए इस सर्जरी में लगते हैं, जिसकी वजह से सर्जरी इसकी हो नहीं पाई। फिर ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए हमारे यहाँ रेफर होके आई थी बच्ची, और इसकी कामयाब सर्जरी रही। सर्जरी में हम लोगों ने जो खून की नसें थी उनको भी सही किया, दिल के छेद को भी सही किया, और जो खून की नसों में रुकावट थी उसको भी सही किया। बच्ची की रिकवरी अच्छी रही और अब जो है ये बच्ची डिस्चार्ज हो गई है। और इस तरह की हम लोग रेगुलर सर्जरीज कर रहे हैं, और ये जो सर्जरी है जो बच्चे में हुई है पल्मोनरी रूट ट्रांसलोकेशन, ये बहुत ही रेयर सर्जरी है और इसकी एक्सपर्टीज़ अभी एम्स में ही मौजूद है। एम्स न्यू दिल्ली में ही इस तरह की सर्जरी हो रही थी। अभी नॉर्थ इंडिया में हम लोग जो है दूसरे सेंटर होंगे जो ये सर्जरी को हमने शुरू किया है, और हमारे साथ पूरी टीम है जो इस सर्जरी में थी, जिसमें कि सर्जन्स हैं, हार्ट सर्जन्स मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, परफ्यूजनिस्ट हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, और हमारा नर्सिंग स्टाफ है। ये सब के अच्छे काम से की वजह से ही ये बच्चा जो है सही हुआ है और आज वो घर जा रहा है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए कि ये सर्जरी हम लोग कामयाब कर पाए। डॉक्टर हुसैन और उनकी टीम ने कामयाबी की मिसाल कायम की है। अब दिल के गंभीर बीमारी से जूझ रहे यूपी के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब एएमयू में ही उनका इलाज मुमकिन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।